सिस्टम में आपको क्या करना चाहिए एक निवेशक के तौर पर, ये बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ राहुल जैन है, वाइस प्रेसिडेंट है दौलत कैपिटल से, आईटी एनालिस्ट भी है, आईटी सेक्टर को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। राहुल जी बताइए क्या लग रहा है, पर्सिस्टेंस सिस्टम के मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे, बताइए क्या करना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स हैं ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, पर्सिस्टेंट सिस्टम ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले कई सालों में, और जिसकी वजह से काफी आउट परफॉर्म किया है स्टॉक ने। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक तो उनकी ग्रोथ रेट आने वाले पीरियड में कम होगी, और उन्होंने एक मार्जिन का एक आउटलुक दिया था कि वो मार्जिन अपना बढ़ाएंगे, बट क्योंकि मैक्रो थोड़ा सा वीक है, उन्होंने अभी बताया है कि उनका फोकस जो है वो ग्रोथ पे ज्यादा रहेगा रादर देन इम्प्रूविंग मार्जिन। सो उस वजह से ये काफी नेगेटिव है, क्योंकि इससे ईपीएस में काफी कट आएंगे स्ट्रीट के एस्टिमेट में, जिसके वजह से टारगेट प्राइस जो है इसका अक्रॉस द बोर्ड काफी कम होगा। सो हमारा करंट वैल्यूएशन को देखते हुए और जो ग्रोथ ये डिलीवर कर सकते हैं, हमारा इनके ऊपर सेल व्यू है। तो वो हम सजेस्ट करेंगे कि वैल्यूएशन कॉन्शियस इन्वेस्टर को इस स्टॉक से नियर टर्म बेसिस पे थोड़ा सा अवे रहना चाहिए, बट जो काफी लंबे अरसे के साथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा बिजनेस है उन लोगों के लिए। मतलब लंबी अवधि के लिए करें, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को लिए आप निकलने के लिए सलाह यहां पर दे रहे हैं। कोई टारगेट वगैरह है क्या परसिस्टेंट पे आपका? हमारा जो पब्लिश टारगेट प्राइस है वो स्टॉक पे 2950 रुपीस का है, जो सर, हमारे समय अवधि क्या है इसके लिए? दिस इज ए वन ईयर टारगेट वैल्यूड एट 30 टाइम्स ऑफ आर अर्निंग एस्टिमेट फॉर FY26। तो लगभग 98 रुपीस का ईपीएस एस्टिमेट है हमारा, जिसपे अगर हम इसको 30 का भी मल्टीपल दें तो ये करीबन 2950 का फेयर प्राइस हमको लगता है स्टॉक। यानी एक साल का व्यू है, 2950 रुपए तक जाने की संभावना यहां पर आपको दिखती है। आईटी में कुछ और पसंद आ रहा है क्या राहुल जी आपको? आई थिंक आईटी में काफी सिलेक्टिव रहना चाहिए, जैसा कि हमने सभी 3-4 कंपनियों के आउटलुक में सुना, एनवायरनमेंट काफी वीक है, उसके चलते आई थिंक थोड़ा सा संभलना चाहिए, रुकना चाहिए इस सेक्टर में। जहां तक सवाल वैल्यूएशन का है, लार्ज कैप स्टॉक्स के वैल्यूएशन काफी रीजनेबल रहे हैं, इस वजह से लंबे अरसे के हिसाब से हम लार्ज कैप को भी प्रेफर कर सकते हैं इस समय, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक से को अभी अवॉइड करना चाहिए गिवन द अनसर्टेनिटी जो अभी आगे प्ले हो सकती है। तो ये भी वो आपका आईटी सेक्टर को लिख रहे हैं। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला और पर्सिस्टेंट सिस्टम के साथ पूरे आईटी सेक्टर पर आपने अपनी राय रख दी।